राकेश, मैं दो तीन फेवर चाहता था। पहले बोले ना सर। तो आप ये मुझे बताइए कि कल का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन वॉज गुड सर, बट वही लास्ट में हो गया तो क्या, सब लोग थोड़ा घर जाने के चक्कर हाँ, में फिर मुझे सब भी काफी लगा इधर। कि शायद नियति यही थी, नहीं तो मैं समय पर यदि पहुंच पाता तो संभवतः होल इंटरेक्शन वुड हैव बीन मच बेटर। नहीं, यस यस, वो क्या शाम का टाइम था और सब काफी क्या आई आई एग्री। ट्रैवल करके मुझे आए वो थे। लग रहा है कि जब आप लोग बैठे होते उस समय यदि शांत चित्त में यदि हम आपसे बात करते तो उसका आउटपुट और उसका रिसेप्टिविटी वुड हैव बीन वेरी हाई। हेलो, हाँ, मैंने कहा कि उसकी रिसेप्टिविटी वुड हैव बीन वेरी हाई। नहीं, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, थोड़ा वो नेटवर्क ड्रॉप हो गया था, बोलिए सर। हाँ, मैंने ये कहा कि यदि हम वहां पे 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे होते हाँ, तो सब लोग बैठे हुए होते और हमारे फंक्शन की रिसेप्टिविटी और हमारे कॉन्सेप्ट की रिसेप्टिविटी वुड हैव बीन वेरी हाई। यस 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 तो हम एग्री। लोग लेट थे, सब लोग खाना शुरू कर दिए थे, तो हाँ, उसके कारण बड़ा नुकसान हुआ। थोड़ा बहुत हो गया सर, और जैसे मैंने कहा कि काफी लोग काफी दूर दूर से भी आए थे, तो हाँ, कोई आई एग्री। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर अब मैं ट्रैवल हो आपसे गया। दो तीन फेवर चाहता हूं। बोलिए ना सर। देखो, एक तो ये है कि जो बात मैंने कही है कि ये तो एक फैक्ट है, चाहे स्वीकार करें चाहे ना करें, कि हमारे राजनेता अच्छे नहीं हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, भ्रष्ट हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी खराब करके रखी है। इसमें व्यक्तिगत मतभेद होने के बावजूद भी जमीन की जो परिस्थिति है वो नहीं बदलेगी, चाहे हम सही सत्य को स्वीकार करें चाहे ना करें। है। यदि हम नहीं भी उसको एक्सेप्ट करें तो भी दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना? अभी जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 51% एमएलए दे आर क्रिमिनल्स, तो इट इज इफेक्ट ऑन रिकॉर्ड। यदि ओके, बहुत 42% एमपीज हमारे आज जो भी विधानसभा 2019 से 2024 की चल रही है, तो हम चाहे माने चाहे ना माने, इट इज इफेक्ट ऑन रिकॉर्ड, राइट? ट्रू ट्रू सर। यदि हमारे लोग यहाँ पे इतने भ्रष्ट हो गए हैं, जैसे अभी मुझे बताया गया कि एक कॉन्ट्रेक्टर ने ही कमिटेड सुसाइड क्योंकि उससे 40% मांगा जा रहा था ऐसे करप्शन, एंड ही कमिटेड सुसाइड। आई डोंट नो, मुझे बताया गया है कि ये बेंगलोर के पेपर्स में बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट हुआ है, शायद हाँ आप सर। लोगों ने पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम। तो दो इट इज नॉट इन माई नॉलेज, बट समबडी टोल्ड मी यस्टरडे, ठीक है ना? अच्छा, तो ओके। हमारी ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। हम तो एक मिनट के लिए मान लें कि जो हम क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं वो जमीन पे नहीं उतरते हैं, एक मिनट मान लेते हैं अपन। तो कल जो है यदि हम बिना खर्च के अपने चंद्रगुप्तों को उतारने की स्थिति में हैं और उनको जिताने की स्थिति में हैं, तो जो भी हम नया सिस्टम क्रिएट करेंगे वो आज की तुलना में कम से कम मार्जिनली तो बेटर होगा। ओके। होगा कि नहीं होगा? आई वांट टू नो, हाँ, मतलब आज जो है इससे तो बेटर होगा। वो तो है सर। देखिए, अभी एक्चुअली क्या दूसरा क्या परसेप्शन है सर, दिस इज माय मेरा खुद नहीं, का मैं कह रहा हूं कि ओपिनियन लेट्स गो आउट ऑफ द परसेप्शन। अपन बड़े कोर और छोटे विषय की बात करें है। कि जो आज हम हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे उन्होंने अपना इंटेंट कहीं छिपाया नहीं था। आपको ह्यूमिलिएट करना, आपको इंसल्ट करना, आपको ऑप्रेस करना, आपको एक्सप्लॉइट करना, इट वॉज डिक्लेयर्ड पॉलिसी। आपको जल्दी न्याय ना देके घुमाते रहना और आपको पीड़ित करना, ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। मतलब इसमें कोई बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है, राइट? हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं, ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी का हिस्सा है, राइट? आज हमारे राजनेता, जब आपका चपरासी जो है सचरित्र होना चाहिए, उसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो हमारे कानून बनाने वाले क्रिमिनल क्यों होना चाहिए? सही है उन्होंने सही। अपने लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल क्यों बनाया है? और अच्छे लोगों को टिकट भी नहीं देते हैं। आज आप उल्टा वही कहते हैं कि अच्छे लोग उसमें नहीं आते। अरे भाई, आप नियम कानून बना दो तो बुरे लोग आ ही नहीं पाएंगे। यदि हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सभी ने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसे अमेंड करके क्वालिफिकेशन में डाल दीजिए कि ही शुड नॉट बी ए क्रिमिनल, सही है सही है। तो क्या फिर क्रिमिनल आ पाएंगे क्या? तो आप जो है जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे हो और दोष जो है ना पब्लिक को देना चाहते हो कि अच्छे लोग नहीं आना चाहते। अरे, अपने देश के जो है ना भाग बदलने के लिए हम लोग जो है ना अपने छोटे से लाभ के लिए हम यूएस जा रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, हम अपने देश को यूएस से बेटर क्यों नहीं बना सकते हैं? अग्री। तो ये जो सब जो चीजें हैं ये फालतू की है। तो अपन एक मिनट के लिए मान लें कि चलो हमने जो कहा कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, एक मिनट के लिए मान लें कि वैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? तो क्या वी विल बी लिटिल बेटर ऑफ देन व्हाट वी आर एट प्रेजेंट? नहीं, तो क्या हमारी स्थिति आज की तुलना में थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी?
क्या हम ये कानून में प्रावधान कर देंगे कि जो डिसीजन मेकिंग सीट पे बैठे हुए हैं, यदि वो विलंब से डिसीजन लेंगे या गलत डिसीजन लेंगे तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा? इतने चार लाइन के अमेंडमेंट से आपका इकोसिस्टम नहीं बदल जाएगा? बदलेगा तो जरूर बदलेगा। चार लाइन के अमेंडमेंट से, बाकी छोड़ दीजिए, क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार फ्री भारत, टैक्स फ्री भारत, ये सबको थोड़ी देर के लिए अपन बैकग्राउंड में डाल देते हैं, इतने मात्र से आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदलेगा सर, बदलेगा जरूर। और आप बताइए कि हम बड़ी आसानी से ये सब काम कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो मॉडल बताया है उसमें 90% को तो कुछ करना ही नहीं है, केवल 9% लोगों को, 10 लोगों को जोड़ना है। 10 लोग, अपने घर के 5 लोग जोड़ लो, अपने 2 मित्र जोड़ लो, एक दो पड़ोसी जोड़ लो, हो गए 10 कि नहीं हो गए? तो 99% हो गया कि नहीं हो गया? सही है सर। और बचे में 1% बचा, तो यदि 99% हो गया तो बचे की चिंता छोड़ दो कुछ देर के लिए, राइट? तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप क्या किसी दूसरे को जिता रहे हो क्या? आप उस कंपटीशन में स्वयं स्टैब्लिश हो रहे हैं और आप उन 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित भी हैं, और नंबर 1 पे आ गए तो क्राउन किसके सिर पे जा रहा है? अपने अभी सर पे जैसे मान आया। लो मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा तो क्राउन मैथिली सेनगुप्त के सिर पे आ रहा है। अब क्राउन मैथिली सेनगुप्त के सिर पे नहीं आ रहा है, क्राउन आपके सिर पे जा रहा है। सही है सही है। तो और यदि पूरी व्यवस्था में ना आपको अपना प्रचार करना है, ना होर्डिंग लगाना है, 5 पैसे खर्च नहीं करना है, तो राकेश मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अजमाओ फिर विश्वास करो में क्या दिक्कत है? सही है सर। नहीं, अजो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हम कहें कि हमें इसका छिद्रावृषण नहीं करना है, तो दो निष्कर्ष पे तो हम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। सही है सर। पहला हमारा निष्कर्ष ये है कि चाहे हम मार्जिनली बेटर ऑफ हों, आज की तुलना में हम मार्जिनली एटलीस्ट विल बी बेटर। ये बात ट्रू मान रहे हो ट्रू कि नहीं मान रहे हो? एब्सोल्युटली सर, ट्रू है। राइट। नंबर दूसरी बात, आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो कि ताज आपने सिर पे आ रहा है, ताज किसी दूसरे के सिर पे नहीं जा रहा है, मान रहे हो? अग्रीड अग्रीड सर। तीसरी चीज, आप ये मान रहे हो कि अपने दमड़ी का एक पैसा नहीं लग रहा है, ना हमको चुनाव प्रचार करने जाना पड़ रहा है, ना किसी अखबार के सामने, ना किसी के सामने टिकट ना तो टिकट मांगने जाना पड़ रहा है, ना वोट मांगने जाना पड़ रहा है, राइट? राइट राइट तो आप मुझे बताओ, जब आपका जीतना सुनिश्चित हो रहा है और सभी राजनेता पार्टी के हार रहे हैं और आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो भैया अजमा के विश्वास करने में क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो मुझे लगता है कि वी मस्ट वर्क हार्ड, और रिजल्ट आपको कब मिल जाएगा? इसमें हमने अभी एक डिसाइड ये किया है कि 18 तारीख को हम प्रोविजनल चंद्रगुप्त की लिस्ट जारी करेंगे, और जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन हम जो है मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जिसके आधार पर लोग बाग मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे आइडिया। हमें फायदा क्या मिलेगा कि 18 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में भी लोग बाग पूरी मेहनत से अपनी मेरिट लिस्ट को इम्प्रूव करने में लगे रहेंगे। नहीं समझे आप? जैसे हमने मान लो 18 तारीख को फ्रीज कर दिया, टिकट तो हमने 18 को ही दे दिए, ठीक है ना? लेकिन जो भी जिनको टिकट मिला है वो उनकी वो लगातार मेहनत करेंगे सो एज टू इम्प्रूव और रीच टू द पोजिशन नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 पे पहुंच गए तो मुख्यमंत्री बन गया। यदि हम अभी पूरी लिस्ट फाइनल कर देंगे तो अभी द लिस्ट जो प्रोविजनल लिस्ट होगी विद द लिमिटेड पर्पज ऑफ गिविंग द टिकट, राइट, एंड जो 10 मई को लिस्ट जारी होगी और वो भी वोटिंग के बाद जारी होगी, जिससे आप दिन भर भी लोगों को फोन लगा के प्रमोट करते रहेंगे, भैया जाओ वोटिंग के लिए तो निकलो, है कि नहीं? तो फाइनल लिस्ट जो है वो 10 मई को जारी होगी, और जो उसमें नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री होगा, और शुरू के 30-35 लोग मंत्री होंगे, और 224 जो लोग हैं वो विधायक बन जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि 13 मई में क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त जो है ना सरकार फॉर्म करेंगे? कर मुझे सकते लगता हैं सर, जब ठान लिया तो कुछ ना कुछ तो मतलब पहल ले लिया तो कुछ ना कुछ अच्छा, तो पहुंचेंगे, अब कितना चलिए इस बात कितना को, अपन अपन थोड़ा सा रोक देते हैं। अब हम आपसे दो तीन फेवर चाहते हैं। पहुंचेंगे पहला फेवर चाहते हैं कि जितने ग्रुप आप हैं और एडमिन हैं उसमें मुझे जोड़ दीजिए, और जिसमें आप एडमिन नहीं हैं दूसरे से कह के मुझे जुड़वा दीजिए, बोलिए सर। गहोई और नॉन गहोई, टेक्निकल ओके ठीक और नॉन टेक्निकल, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, है। ओके राइट, और जिसमें आप एडमिन नहीं हैं उसमें दूसरे से रिक्वेस्ट करके मुझे जुड़वा दीजिए और मुझे एडमिन बना दीजिए। बता दीजिए कि डीजी साहब जुड़ना चाहते हैं, आई थिंक नो हाँ बडी शुड हैव द प्रॉब्लम हाँ मी इन देयर ग्रुप, राइट? ठीक है। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये चाहता हूं कि अपने जो साथी हैं
वो जिस कॉलोनी में रहना चाहते रह रहे हैं वो मेरी जो है, अभी मैं आज और कल हूं, तो जहां फिजिकली संभव है वहां फिजिकली, अदरवाइज हमारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए और उसका टॉपिक ये रखा जाए कि मैथिली शरण गुप्त जो कि प्रोजेक्ट हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत के, वो आपसे मोटिवेशनल बात करना चाहते हैं और कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं, अच्छा। बस और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नो इलाबोरेशन, नथिंग, बस इतना ही। तो हमें उन्हें 1 to 1 कहने का मौका मिलेगा एंड आई विल फिनिश विद इन 15 to 20 मिनट, क्योंकि मैं अब कॉन्सेप्ट पे इलाबोरेट नहीं कहूंगा करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि कॉन्सेप्ट के लिए हमारे आप यूट्यूब की वीडियो देखिए और आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो तब पूछ लीजिए। तो हम मुद्दे पे केवल प्रक्रिया को समझाएंगे जिससे कि हमें मछली की आंख दिखे और हम 13 मई को क्राइम फ्री भारत के चंद्र गुप्तों को जो है ना सर सर ताज ताजपोशी कर सकें। और मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है, मतलब आप लोगों के दिमाग में भ्रम हो सकता है क्योंकि आप लोग उसमें समाहित नहीं है, हम तो वो तो ये प्रोजेक्ट और सिस्टम हमारी आत्मा से निकला है, तो मैं तो उसमें पूरी तरह से आत्मसात हूं, ठीक है ना। तो जो है मैं इस बात को देख पा रहा हूं कि 13 मई को क्राइम फ्री भारत का जो है ये शंखनाद जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की सरकार बनाएगा और नंबर 1 के ऊपर मुख्यमंत्री का ताज होगा, ठीक है ना। तो जितने भी जो RWA हैं हम उनको पहले जो है ना वो करने की कोशिश करें एंड देन कैन वी, क्योंकि हमें अकेला यहाँ के जितने भी सीट हैं यदि हम उतने में आ भी जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं नहीं हमें 224 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो जो लोग दूसरी जगह पे हैं चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसको लूप में लेके वहां पे भी ऐसे RWA और उन सब में से यदि हम मीटिंग करेंगे तो हम 9 दिन में बड़ी आसानी से हम वो उनसे जुड़ पाएंगे और हमारा यहाँ फिजिकल रहना वो नहीं होगा क्योंकि हम वीडियो लिंक पे करेंगे और आजकल वीडियो लिंक टेलीविजन पे कास्ट हो जाती है, तो हम 1 to 1 बात भी कर पाएंगे और वो रिकॉर्डेड भी होगी, अपलोडेड भी होगी, तो जो लोग उसको क्राइम फ्री भारत चैनल पे देखेंगे दे विल ऑल्सो फील एक्साइटेड एंड इंसाइटेड। डू यू एग्री विथ दैट? तो ये श्योर जितनी भी बात कही इसमें कोई आपको आपत्ति है क्या? सर, आपत्ति नहीं है सर, बट आई एम नॉट द ओनली डिसीजन मेकर। तो नहीं आप एक नहीं काम आप कीजिए सर, देखिए इसमें ये डिसीजन डॉक्टर मेकर कुछ है ही नहीं, यदि आप एडमिन हैं तो मुझे जोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से एक सीनियर IPS ऑफिसर जो 7 साल तक DGP रहा है, विच ग्रुप शुड हैव द ऑब्जेक्शन? हाँ, नहीं, तो मैं वही अभी जरा आप अपने डिस्कशन हुआ है एक बार अपने जितने हैं ग्रुप्स उसमें बोल देता हूँ, और बिकॉज आई एम नॉट एडमिन फॉर ऑल द ग्रुप्स, जैसे आपने अरे आप जिनके हैं राइट उनमें जोड़ दीजिए, बाकी को रिक्वेस्ट कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि यू डू नॉट वांट टू मेक इवन रिक्वेस्ट तो उस ग्रुप का जो एडमिन है उसका नंबर मुझसे शेयर कर लीजिए, आई विल टॉक टू द पर्सन। हाँ ठीक है, वैसे देखो करता हूँ सर, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। है ना, तो आई थिंक दैट विल बी बिकॉज समय कम है, इट इज ए वेरी लिटिल टाइम। आप ये बताओ 18 तारीख को चंद्रगुप्त की सूची प्रोविजनल जारी हो जाएगी और विधायक का टिकट मिल जाएगा और 13 तारीख को हम सरकार फॉर्म करेंगे, यदि हम सब लोगों ने अपने सदस्य भूमिका का 1/10 भी निभा लिया, 1/10 10 लोगों को भी जोड़ लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो है क्राइम फ्री भारत की वो बनेगी। हमें रीच आउट जो है बाकी जिलों में भी करना होगा, ठीक है ना। तो ठीक है। मैं मेरे ख्याल से इस बात के साथ ही मैं ये डायलॉग जो है ना यहाँ खत्म करता हूँ और जो हमारी बातचीत हो रही है ये रिकॉर्ड भी हो रही है तो ये कल तक अपलोड हो जाएगी। यू कैन इवन मेक यूज ऑफ दिस कम्युनिकेशन टू टॉक टू योर पीपल, श्योर श्योर सर, है ना। अगर आप और अगर अभी अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो मैं वो डाल देता हूँ ग्रुप में, आई और विल डू अगर दैट, आई विल मैं टू भी सर हंड्रेड परसेंट कॉन्करेंट डू एक बार दैट। ले लूँ और एक चीज हम उसमें। और कहेंगे कि अपने जितने साथियों को आप टेलीग्राम पे यदि उनको डाउनलोड करके जोड़ने के बाद रिक्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम का जो है देखो वी आर डीलिंग विद द नंबर विच विल बी अल्टीमेटली 6.5 करोड़ ऑफ द कर्नाटका अकेले होंगे, राइट। तो 6.5 करोड़ के लिए टेलीग्राम प्रोवाइड्स फॉर 1 लाख पीपल इन ए ग्रुप, तो हमें जो है 1 लाख के हिसाब से बहुत कम ग्रुपों में हम जो है ना पूरी पब्लिक को जोड़ पाएंगे और पूरी पब्लिक तो जुड़ेगी भी नहीं, तो यदि 60% भी जुड़ जाएगी तो इट वुड बी पॉसिबल इन ए वेरी वेरी स्मार्टली। 100 ग्रुप में हम 1 करोड़, 100 में से हम 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे तो हमें 500-600 ग्रुप में हम जो है ना पूरे कर्नाटका को कवर कर लेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट यू। और दूसरी बात यह है
कि जो व्हाट्सएप में ये आपकी मेमोरी खाता है, हाँ टेलीग्राम में उनके सर्वर की मेमोरी खाता है, राइट। इसमें जो है, जो फाइल हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज ऑफ द 2 GB, जबकि वहां पर जो है वो 25 GB है मैक्सिमम इन व्हाट्सएप। हाँ तो व्हाट्सएप से टेलीग्राम बहुत सुपीरियर है। अच्छा तो आई विल रिक्वेस्ट कि यदि वो टेलीग्राम को आप लोग डाउनलोड करके मुझे हेलो कर देंगे तो मैं एक ग्रुप में आप सबको डाल दूंगा। ठीक है सर, कर देते हैं। तो दिस वुड बी वन ऑफ द एडिशनल वो, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, भेज दीजिए, मैं करूँगा। चलिए चलिए, जय हिंद, ओके जय जी, थैंक भारत, यू, वंदे मातरम। वंदे मातरम।